भाई, तो सोनल भैया तो अभी ऑफिस गए हैं और हम लोग यहाँ रूम में बैठे हुए थे, तो मामा ने बोला चल सब्जी लेके आते हैं। चलिए चलते हैं सब्जी के साथ, अपने दिन का शुरुआत करेंगे आज। गांव और शहरों की सब्जियों में जो सबसे मेजर जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, वो यहाँ आके मेरे को भी समझ आया है। यहाँ आए हुए मैं मामा के साथ आया था यहाँ सब्जी में, और हम लोग टमाटर गोभी जो छाट रहे थे, तो टमाटर भी आप लोगों का कैमरा में दिख रहा होगा, तो पूरा एकदम ख़राब जैसे दिख भी रहे हैं। ख़राब जैसे पिल पिले टमाटर हैं, रूखे सूखे यहाँ पत्ता गोभी भी सब रखे हुए हैं। और यहाँ आने के बाद आप लोग को फ्रेश सब्जी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। गाँव सब में क्या होता है कि गाँव में ही उगाते हैं, खेतों से निकाल के बेचने निकल जाते हैं, और यहाँ पर जो बाहर से कहीं से इम्पोर्ट होकर आता है, तो पानी मार मार के इसको फ्रेश दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन असफल हो रहे हैं उसमें भी। तो सुनो भी, अभी आ चुके हैं ऑफिस और हम लोग बाहर निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। तो प्लान कुछ इस टाइप का है कि यहाँ से हम सीधा जाएंगे यारदार अड्डा। यारदार अड्डा रायपुर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट में से एक है, और रायपुर में कम से कम 4 या 5 ब्रांच होगा उसका। चलिए चलते हैं, आपको भी देख चलते हैं। वहीं सामने जा लो, तालाब दिख रहा है, उसी का नाम है कटोरा तालाब। और कटोरा तालाब के पास यहाँ पर लाइन से पूरा जो है खाने पीने का दुकान सभी है, और इसी के बीच में ही एक जो है यारदार अड्डा नाम का एक रेस्टोरेंट, तो वहीं अभी हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहला ऑर्डर अभी हम लोग का चूर चूर नान और दाल मखनी आ चुका है बड़ापा के लिए। चूर ये है चूर चूर नान, जो कि पंजाब की खासियत है। अमृतसर अगर आप जाएं कभी तो अमृतसर में आप पा सकते हैं चूर चूर नान। ये जो है ये है दाल मखनी, ये जो है ये है छोले, अमृतसरी छोले, और ये जो है ये है मक्की की रोटी, सरसों का साग का जो साग होता है वो साग है वो, क्योंकि बहुत सरसों भाजी जो है बहुत पसंद है। और अगर आप रायपुर में आए तो ये जो यारा अड्डा है यहाँ के आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और ये है मेरा पसंद शानदार बंजारा मोमोज विद मेयोनीज चटनी, और मेयोनीज बोलते हैं ना, मेयोनीज एक ही है, मायो मायो बन जाता है। बंजारा मोमोज और कहीं मिलता है कि यहाँ के अलावा? बंजारा मोमोज मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये जो मोमोज है स्पेशलिटी है, ज़्यादा खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। सार्थक जी खा के बताएंगे देसी गाड़ी। सार्थक शर्मा जी ट्राई कर रहे हैं अभी इसको, बताएंगे हमको कैसा लग रहा है। गजब है, गजब है। इसे मैं वसाबी डाल के खाने से जो ऊपर हरा हरा होता है वसाबी होने से, अभी उसके बाद फिर आप नहीं दिखेंगे यहाँ पे, सीधा ब्रह्मांड ब्रह्मांड का सैर हो जाएगा सीधा। सिम कार्ड आता है जिंक्स वाला, रॉकेट। तो अभी आ चुका हमारा थर्ड आइटम, हमारे इंट्रोवर्ट का पसंद, सोया चाप रोल। सोया मसाला चाप रोल करेक्शन है हम लोग का। तो हम लोग जो कुछ भी मंगा रहे हैं, जैसे 3 आइटम मंगा चुके हैं हम लोग, मोमोज हो गया, ये चूर चू नान हो गया, और ये हम सोया चाप हो गया, सबको हम लोग मिक्स करके ही खा रहे हैं। से किसी को मैं स्वाद, किसी को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, किसी को भैया, किसी को बड़े पापा। तो इसको तो आज तक मैं नहीं खाया हूँ, पहली बार ही खा के देखेंगे अभी। और ये भी आइटम आ चुका है। आइटम अच्छा है, इससे अच्छा मेरे को ये लगा है, ज़्यादा बढ़िया लगा है। आयुष महाराज को क्या लगा? नहीं, सबके बीच कोई दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपना खाना खाते हुए। अभी मैं 2-3 आइटम खाया हूँ, उसके बाद कुछ अजीब हुआ, मैं रोज खाने के बाद उतना मिर्च नहीं लगा था मेरे को, जितना 2-3 आइटम खाने के बाद लगा। भैया मेरे को प्रेफर के कुछ ठंडा पी लेते हैं, अभी हम आए हैं ब्राउनी से, और किसी को भी मिर्ची को दूर करने के लिए पीने आ रहे हैं इसको। खींचा क्यों? जोर से खींचिए। क्या हो गया? दांत दांत नहीं, तुमको मिर्ची में मिर्ची ज्यादा लग जा रहा है।
करे तो करे क्या, आदमी करे तो करे क्या वाला बात हो गया। अभी हम लोग आ चुके हैं ऐसे जगह में वो चीज़ खाने के लिए जिसके लिए घर से निकलते समय सबसे पहले मेरे को खाने के लिए मना किया गया था। नेचुरल्स मांगे हम आइसक्रीम खाने के लिए और सबसे यूनिक खाने के चक्कर में मेलन फ्लेवर का ऑर्डर कर दिया। अभी यहाँ स्वाद कुछ अजीब सही लग रहा है, तो बड़ा पाक अच्छा फ्लेवर है। क्या फ्लेवर आएगा जी? हाँ जी जी फ्लेवर मेरे अलावा सभी लोग का अच्छा ही फ्लेवर है। सबसे बेस्ट फ्लेवर भैया चुन लेते हैं टेंडर कोकोनट का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं शोरूम। रायपुर आने के हम लोग का सबसे मेन कारण था शोरूम जाना, सर्विसिंग करवाना। तो आप सुबह से हम जल्दी जल्दी उठे हैं, 10 बजे का हम लोग बुकिंग है और हम लोग अकेले जा रहे हैं। हम लोग हैं कमल भैया है, बड़े पापा हमारे साथ है, छोटा भाई हमारा चीकू है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं किया के शोरूम में और गाड़ी हम लोग दे दी है सर्विसिंग के लिए। तो उधर सामने बड़े आप और भैया तो समझा रहे हैं कि गाड़ी चलाने में लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रहा था। हम लोग तो चलाने जानते नहीं, हम लोगों को तो पता नहीं होगा। और गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो भी आज ही लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग को 1 या 2 घंटे और रुकना पड़ेगा और गाड़ी का फर्स्ट सर्विसिंग है ये, तो 1-2 घंटा रुकना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद यहाँ से और आगे कहीं कहीं जाएंगे। तो अभी गाड़ी दे दी है सर्विसिंग में और एक बस बैठे हुए वेटिंग रूम में। कॉफ़ी ऑर्डर कर दे दी है अभी और अभी कम से कम 3 घंटा हम लोग को रुकना पड़ेगा यहाँ पर। अभी हम समझाएंगे और मैनेजर से बात करना है, शायद हो सकता है जल्दी मिल जाए कार हम लोग को। और अभी हम जाएंगे शोरूम तरफ और गाड़ी से देखने के लिए कौन कौन नए नए गाड़ी सब है यहाँ पर। तो अभी हम लोग कॉफ़ी बन के आ चुकी है और कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ पर केरम और चेस भी आ गया है टाइम पास ले। तो भैया हमें सोच रहे हैं कि 3 घंटे तो है चेस में, टाइम पास हो जाएगा हम लोग का। वरना हम लोग कभी भी जीत जाएं। तो टाइम पास जुगाड़ तो मिल चुका है हम लोग को। तो अभी मैं बड़े आपा सोनल भी हम लोग आ गए हैं कैरेंस देखने के लिए। तो भी हमारे सामने पर अपने सेक्सीएस्ट कलर में है कैरेंस का टॉप मॉडल, अप्रॉक्स 20 लाख की गाड़ी है ये। और अंदर तो बड़ापा लोग बैठ के देख रहे हैं ना बड़ापा, कंता से फील हमारा गाड़ी का फील नहीं है ज़्यादा बढ़िया हम लोग गाड़ी है। कैरेंस में बैठ के कैसा लग रहा है पापा? कैरेंस में देखो 7 सीटर के हिसाब से मतलब प्रीमियर जो मतलब लुक फील होता है वो चीज़ इसमें नहीं है। बाकी गाड़ी में मैंने कमी नहीं है जबकि 19 लाख। मैं अगर सही बात बोलूँ तो मेरे को थोड़ा तकलीफ तो हो रहा है और सिर्फ एक ही कारण से, वो है प्राइसिंग। हाँ वो बात है, जैसे वो बेस मॉडल 13 में आपको कंप्लीट आ जाएगा। हाँ सेकेंड टू बेस। अब जो गाड़ी का बात कर रहा हूँ, गाड़ी यहाँ पीछे तरफ है वाइट कलर में, सेकेंड बेस मॉडल इसका। तो ये हम लोग का चिक्कू महोदय। हम लोग सब लोग तो यहाँ फ़ोन वोन लेके आए थे, चिक्कू लेके बच्चा है अभी फ़ोन नहीं है इसके पास। तो हम 2 घंटे से रुके हैं वहाँ पर, चिक्कू बड़ा बोर हो गया। कैसे चिक्कू, तो क्या करेगा अभी? कैरम खेलेगा, खेलेगा। क्या ऐश करेगा यहाँ पर? वो मैगी रखा है खा ले। डरता है भैया से? नहीं डरता है, बता दे। नहीं डरता है। अभी इतना बोर हो गया था कि अकेले यहाँ पर कैरम खेल रहा था, चारों तरफ से अकेले जा जा के मार रहा था इसको। अरे गोटी नहीं जाता है। गोटी को भेजना पड़ता है ना, ऐसे ना चल देगा। उधर जाता है तो वापस ऐसे आ जाता है। एक जाता है उसके बाद आता ही नहीं। हम लोग का उठने में लेट हो गया था, 10 बजे का हम लोग का बुकिंग था,
हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मंगाए थे यहाँ पर, तो घर से हम लोग नाश्ता सब कुछ कर नहीं पाए थे, तो यहीं पर आके फिर भैया मंगाए थे मैगी वैगी मंगाए हैं भैया, तो बस यहीं पर खाएंगे। और हम लोग का दो घंटा हम लोग रुक गए हैं, दो घंटे का आधे घंटा और लगेगा हमें खासम लोग का सर्विसिंग सबको। तो ये रही हमारी गाड़ी, ये ऑलमोस्ट पूरी काम पूरा जो काम होना था हो ही चुका है, बस नंबर प्लेट बचा है, वॉश भी हो गई है कार हमारी पूरी, और एक दो काम उसमें आखिरी का बचा है, मतलब आधे आधे या मैक्स एक घंटे काम बचा है, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। फाइनली हम लोग गाड़ी में जितना काम होना सब हो के आ गया है, बस ये नंबर प्लेट रह गया। नंबर प्लेट क्या था कि हम लोग को ही लगवाना था, लेकिन वो कुरियर में चल दिया वापिस। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और भूख को लगा है हम लोग बहुत ज़ोरदार, तो चलते हैं कहीं भैया लेके जाएंगे हम खाने वाने के लिए। तो अभी हम लोग कुछ खाने वाने के लिए भैया हम लोग ले आए हैं मैग्नेटो में, भैया भी कर हम लोग ब्लॉगिंग को। तो भैया कुछ फ़र्क बता रहा कि चलाने में माइनर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अभी एक्सपर्ट हैवी ड्राइवर चलाएंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कमेंट। सर्विसिंग के बाद एक बार नहीं चला पाए बड़े अभी तक, सर्विसिंग के बाद करेंगे बताएंगे बताएंगे चलाने के बाद। जाने का प्लान हम लोग का KFC में था, लेकिन KFC बंद है मैग्नेटो का अभी, तो हम लोग आ गए हैं मैकडी में और देखते हैं चलो बढ़िया बताओ क्या खाएंगे। मैं तो फिक्स हम लोग बर्गर खाएंगे, अभी मेरे का सुबह से मन था बर्गर खाने का, तो अभी लोग ऑर्डर बनका चुका है यहाँ पर, 5 बर्गर इसी में निकाल दीजिए, फ्रेंच फ्राइज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फिर मैकडी से निकलने के बाद यहाँ लोग आ गए हैं रिलैक्सेशन एरिना में। तो यहाँ भी मैं बड़े आपा सोनल भैया और आयुष महा करा रहे हैं मसाज को, हम तीनों तो यहाँ पर हाफ आवर का करा रहे हैं और बड़े आपा करा रहे हैं 1 घंटे के लिए। कंतरा हो चुके बड़े आपा, पूरा थकान दूर हो जाएगा, बड़ा पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सब में, घर में भी ऐसे ही मौका मिलता है तुरंत पैरों दबवा लेते हैं हम लोग से भी बोलते रहते हैं। अभी हाफ मसाज हम लोग को हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको करवाने में, तो पूरा एक पैर तो फ्री लग रहा है अभी तक, कम से महीने में एक बार, दो महीने में एक दो बार कराते रहना चाहिए इसको। तो मेरा भैया का और आयुष का तो 3 सिर्फ आधे घंटे का ही था, तो हम लोग का हो चुका है, बड़े आपा था 1 घंटे का, उनका बचा है अभी, बड़े आपा फुल बॉडी है ना, तो अभी इनका पैर का हो रहा है, इसके बाद पीठ से लेकर हर बॉडी पार्ट का होगा। बड़े आपा पूरा अपना आखिरी चरम तक का सुख ले रहे हैं इसी में, कंतरा घुसेगा तुम्हें सोई जी सब बीच बीच थी, बड़े आपा मानने के तैयार नहीं लेकिन बीच में सो जाते हैं वो। मैग्नेटो में यहाँ पर गेम जोन के पास में ही एक छोटा सा क्रिकेट का नेट लगा हुआ है, तो जब तक बड़े आपा का टाइम पूरा होता है मसाज का, तब तक हम सोचे हाँ क्रिकेट खेल लेते हैं। जा रहे हैं सार्थक शर्मा, यहाँ खेलने के रूल्स एकदम सिंपल होते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, उस पर आपको 18 बॉल मिलती है, और 18 बॉल में अगर आपने 50 रन मार दिए तो उस पर और 6 बॉल मिलेगी पावर हिटिंग के लिए, साइड साइड बॉल के 2-2 रन, और सामने अगर पड़ा 4 छक्का है और ऊपर पड़ा है पीछे का 9 रन। और यही रिलैक्सेशन एरिया के सामने में ही है बारबेक्यू नेशन, तो अभी हम लोग मैग्नेटो से निकल गए हैं, सीधा आए हैं डीकैथलॉन में, क्योंकि मेरे को जूता लेना था और बड़े आपा तक है नहीं थे, मतलब रायपुर बहुत बैठ लेकिन आज तक कभी नहीं आया था, नहीं बड़े आपा इतना हाय गाइस हाय गाइस।
तो चलिए चलते हैं अंदर तरफ। डिकैथलॉन रायपुर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स शोरूम है मान लीजिए। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं डिकैथलॉन से वापस। और डिकैथलॉन के बाद मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाया, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग खत्म हो गई थी फ़ोन की, पूरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मेरे को। उसके बाद हम लोग बहुत सारी जगह गए, डिकैथलॉन से हम सीधा गए टर्फ में खेलने के लिए। और वहाँ जाने का सबसे बड़ा अफसोस मैं गई वहाँ, कल वापस जा रहे हम लोग और वापस वहाँ खेल नहीं पाऊँगा फिर मैं, ना ही वहाँ का व्लॉग कर पाया। लेकिन सोनल भैया पुराना अपने व्लॉग में उसको पूरा अच्छे से दिखा दिए हैं, तो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का व्लॉग इतना रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बनते रहिए देसी देसी साथ।